नमस्कार, आज हम बनारस में जो राजनीति का, हिंदुस्तान के राजनीति का केंद्र बिंदु बना है, यहाँ पर यहाँ के सांसद हमारे प्रधानमंत्री हैं। वहाँ पर युवाओं में जो गुस्सा है सड़कों पे उतरा हुआ है, जो कहीं ना कहीं से प्रदर्शित करता है कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जो बार बार दुस्साहसिक घटनाएँ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तो नाराज हम ही हैं। उसके अलावा हम अपने शिथिल राजनीतिकारों से, अपने अलगाववादी नीतियों से बिल्कुल ही नाराज हैं और प्रधानमंत्री से कड़ा रुख अख्तियार करने की उम्मीद रखते हैं। उदय प्रताप महाविद्यालय से समस्त छात्र आज छात्र संघ अध्यक्ष मिलिंद के नेतृत्व में आज कैंडल मार्च निकाले हैं। तो मिलिंद भाई, क्या जो है संदेश देना चाहते हैं इससे, अपने राजनेताओं को, अपनी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? दरअसल जो हुआ है अभी जो दुर्घटना, एक तरह से कह सकते हैं कि जो देश को पूरी क्षति पहुंची है, सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ा क्षति है जो पूरे तरह समाज को सब दुखी कर दिया है। ये कैंडल मार्च है, ये एक दीपक जला के सिर्फ उन्हें शोक संदेश है, शोक सभा मात्र नहीं है, ये एक जलती हुई आग है जो हम सभी युवाओं से लेकर हर एक देशवासी के अंदर है, जो एकदम भभक रही है, आखिरी एकदम ज्वलनशील चरम पे है कि कब पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए और कब हम 40 के बदले 4000 को मौत की घाट उतार दें। और बस इतना कहना है कि वो जो 40 थे अपने, जो 40 अपने साथी थे, जो 40 पाकिस्तान की ये दुस्साहसिक घटना के साथ साथ हमारे देश में कुछ अलगाववादी लोग हैं, कुछ सुसुप्त राजनीति में हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस उनको यही कहना चाहेंगे कि ये एक समय है जब आपको अपनी जुबान पे लगाम लगा लेना चाहिए और जो सूक्ष्म राजनीति कहें या फिर जो कहते हैं कि गंदी आपकी जुबान है, अगर आपसे कंट्रोल में नहीं रहती है तो उसे अपने पास रखे रहिए। और नहीं आप यहाँ अगर रह पाते हैं